नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसके पी लाइव न्यूज। धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने धार जिले में सक्रिय गुंडे बदमाशों की गतिविधियों पर सतत निगाह रखने एवं आदतन अपराधी आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में धार जिले के समस्त SDOP समस्त थाना प्रभारियों के साथ साथ क्राइम ब्रांच धार प्रभारी संतोष पांडे को लगाया गया था। इसी तारतम्य में आज धार पुलिस व क्राइम ब्रांच धार को 10,000 रुपए का इनामी फरारी बदमाश को पकड़ने में मिली सफलता। गंधमानी क्षेत्र का रहने वाला कुख्यात बदमाश जितेंद्र पिता शोभाराम मानकर हत्या के प्रयास के अपराध में तय घटना दिनांक से फरार। किसी घटना को अंजाम देने की नियत से धार आया हुआ था। आरोपी के कब्जे से अवैध देशी कट्टा, मैं जिंदा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल, कुल मशरू का 60,000 रुपए जब्त किया गया। आरोपी थाना गंधवानी का लिस्टेड गुंडा है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। दिनांक 9/8/2020 को थाना गंधवानी में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था 307 का, जिसमें आरोपी जितेंद्र और उसके भाई बहादुर ने एक होटल संचालक के साथ मारपीट करके प्राण घातक चोटें पहुंचाई थी। उसमें यह घटना दिनांक से ही आरोपी फरार था और इसके संबंध में गंधवानी पुलिस को सूचना मिली थी कि ये धार तरफ गया हुआ है। जो सूचना गंधवानी पुलिस के द्वारा क्राइम ब्रांच धार को दी गई, क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा सूचना के आधार पर टेक्निकली इसकी जानकारी निकालते पता चला कि ये सोनू रेस्टोरेंट के वहाँ पे मौजूद है। जब तक क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ पहुँचती तब तक ये वहाँ से निकल चुका था राजगढ़ तरफ। तब क्राइम ब्रांच की टीम ने सरदारपुर थाना प्रभारी और सरदारपुर की टीम को सूचना दी इसके संबंध में। सरदारपुर की टीम के द्वारा भोपाल जाने वाले रास्ते के पास में नाकेबंदी करने पर पुलिस को देख के ही भोपाल तरफ इसने गाड़ी भगा ली और झेड़नेश्वर रोड वाले टर्निंग के वहाँ पे गाड़ी से ही गिर गया। तब तक पुलिस वहाँ पहुँचती, इसने कट्टा निकाल के फायर करने की कोशिश करी तब पर पुलिस ने इसको दबोच लिया। इससे कट्टा और एक मोटरसाइकिल वहाँ पर जब्त की गई है। गिरने से इसके पैर में और हाथ में चोटें आई। इसको थाने लाया गया, पूछताछ करने पर इसने मोटरसाइकिल भी चोरी की होना बताया है तथा पूर्व से ही इसके ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय धार के द्वारा 10,000 रुपये का इनाम इस पे और इसके भाई बहादुर पे भी घोषित किया गया था और इसके ऊपर पूर्व से 22 अपराध गंधवानी थाने पे पंजीबद्ध हैं। ये गंधवानी थाने का लिस्टेड गुंडा और 2 बार इसके खिलाफ जिला बाजार की कार्रवाई भी की जा चुकी है। सर, ये बाइक पे अकेला था? बाइक पे अकेला था।